दोस्तों, ये हम सब तो जानते ही हैं, मक्खन किस तरह हर घर और किचन में इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन किचन्स में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण है यहाँ का इतिहास। गाय के दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हमेशा से ही इंसान के आहार में शामिल रहे हैं, क्योंकि गाय सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए जाने वाले जानवरों में से एक है। यही कारण है कि भारत दूध दही मक्खन से संपन्न देश माना जाता है, और आपको दूध से बने हर तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे हम दिन से लेकर रात तक इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो चुके हैं। सुबह की चाय हो या नाश्ते में बने आलू के पराठे और बटर, दोपहर के खाने में दाल में घी का तड़का हो, और या फिर रात में हल्दी वाला दूध, हर जगह हम डेयरी प्रोडक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? दोस्तों, न जाने आपने आज तक कितनी बार बटर को खाया होगा, और शायद आप लोगों में से कुछ का तो ये फेवरेट भी होगा। लेकिन क्या एक झटके में खाते हुए आपने ये जानने की कोशिश की है, जिस बटर को आप सेकंड्स में खा लेते हैं, आखिर उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? शायद ही आपने जानने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अमूल बटर फैक्ट्री में कैसे बनता है ये आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो मार्केट में कई कंपनीज का बटर मौजूद होता है, पर हमारे देश में जिस कंपनी का सबसे ज्यादा बोलबाला है वो है अमूल। इसलिए दोस्तों, हम भी आपको अमूल के बटर की ही मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं, पर सभी कंपनी लगभग यही प्रोसेस फॉलो करती हैं। अमूल ऐसी डेयरी कंपनी है जो कई सालों से भारत के हर घर में डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचाती आ रही है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध का होना, और दूध हमें मिलता है डेयरी फार्म से। डेयरी फार्म से दूध कलेक्ट करने के लिए अमूल के बड़े बड़े कंटेनर टैंक अलग अलग डेयरी फार्म पे जाकर ये दूध कलेक्ट करते हैं और उन्हें अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। इन डेयरी से 20 मिलियन लीटर रोज दूध अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध की क्वालिटी को चेक करना। ये कंपनीज इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि ये हमें स्वस्थ और हेल्दी दूध प्रोवाइड करती हैं। इसलिए जैसे ही दूध फैक्ट्रीज में पहुंचता है, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है भी या नहीं। जब दूध का सैंपल चेक हो जाता है तो उसे वहाँ उपस्थित स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। असल में स्टोरेज टैंक सिर्फ दूध कलेक्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे दूध से बैक्टीरिया भी अलग किया जाता है। उसके बाद दोबारा से इस दूध को पैस्चराइज चेम्बर में भेज दिया जाता है। पैस्चराइजेशन के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूध में अब कोई भी बैक्टीरिया नहीं बचा है, जिससे दूध की शेल्फ लाइफ को अधिकतम बढ़ाया जा सके। इसलिए दूध को पहले 71.7 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए उबाला जाता है, और फिर बहुत ही कम समय में उसको 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा करने पर दूध में उपस्थित किसी भी तरह के जीवाणु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है बटर बनने के सफर की। इसके बाद दूध को सेपरेशन चेम्बर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसा कि नाम बता रहा है, चेम्बर्स असल में दूध से क्रीम निकालने के लिए, या कहें दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस दौरान इस दूध को एक कंटेनर में रखकर उस कंटेनर को बहुत तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। ऐसा करने से दूध के अंदर से क्रीम और छाछ अलग अलग हो जाते हैं। क्रीम हल्की होने के कारण छाछ के ऊपर तैरने लगती है, जिसकी वजह से उसे आसानी से अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद इस क्रीम को दोबारा से फिर पैस्चराइज किया जाता है। हीट ट्रीट देने की वजह से इसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट फाइट कंपाउंड का स्रोत कम हो जाता है, जिसके कारण मक्खन जल्दी खराब नहीं होता। कई बार पैस्चराइजेशन के दौरान वैक्यूम ड्यूरेशन का भी यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को इसलिए किया जाता है ताकि इसकी वजह से क्रीम में किसी भी तरह की स्मेल ना बचे। इसके बाद इन क्रीम्स को टैंक्स में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले अगर पॉसिबल होता है तो इसमें एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। इन टैंक्स में दूध को 14 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है, जिस वजह से इस क्रीम को प्रॉपर टेक्सचर मिल जाता है, जो कि फैट के इकट्ठा होने पर बटर को सॉलिडिफाई होने में मदद करता है। इन टैंक से निकाल कर इसको कंटिन्यूस बटर मेकर में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए क्रीम का पहले हीट एक्सचेंजर से गुजरना जरूरी होता है। इस दौरान इसको संतुलित तापमान पर लाया जाता है। चर्निंग टैंक को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, इसकी मदद से उसमें मौजूद फ्लैट ग्लोबुल्स टूटकर बटर क्रीम में बदल जाते हैं। इसकी मदद से क्रीम में बचे फैट कंटेंट का भी बहुत कम हो जाता है। इसके
इसके बाद क्रीम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है जो कि बटर क्रीम और बटर मिल्क होते हैं। जब ये ग्रेन्स पर्याप्त आकार में आ जाते हैं तो चर्निंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अगर मक्खन में नमक का इस्तेमाल करना है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके सतह पर छिड़क दिया जाता है, या इसके लिए कई बार एक अलग प्रक्रिया भी की जाती है। नमक को इस बटर में सही तरीके से मिलाने के लिए इसको एक स्पेशल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद मक्खन को कई मशीनों में अलग अलग तरीके से गूंथा जाता है जिससे ये छोटे छोटे पीसेस आपस में चिपक जाते हैं। प्रॉपर तरीके से गूंदने के बाद ये बटर काफी सॉफ्ट हो चुका होता है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बटर पैकेजिंग के लिए रेडी हो जाता है तो बारी आती है इसकी क्वालिटी चेक करने की। ये क्वालिटी चेक कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जिन्हें बटर की क्वालिटी चेक करने का बहुत सालों से अनुभव होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है जिससे कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। क्वालिटी चेक करने के लिए पहले तैयार हुए बटर में से सैंपल ले लिया जाता है और फिर उसे हर तरीके से चेक किया जाता है कि उसका टेक्सचर कैसा है और वो कंपनी के स्तर से स्वाद में सही है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि मशीन पूरे तरीके से साफ है या नहीं। असल में मशीन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर बटर में थोड़ा भी दाग पाया गया तो कस्टमर्स इसकी क्वालिटी पर शक करने लगेंगे और ये अपनी क्वालिटी के साथ जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसलिए मशीनों की टाइम टू टाइम सफाई भी करवाई जाती है। इसके बाद बारी आती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए सबसे पहली मशीन जो इस्तेमाल होती है उसका यही काम होता है कि वो बटर पेपर को बिछाए। इस मशीन के बाद ये बटर पेपर आगे बटर कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे मशीन बटर को निर्धारित साइज में काट कर इस पेपर के ऊपर रख देती है। इसके बाद इस बटर को पैक होने के लिए दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन बटर को रैप कर देती है, फिर इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भेज दिया जाता है। यहाँ से ये बटर हर सुपरमार्केट और दुकान पर पहुँच जाती है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर एक निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये बटर हमें कई तरीकों से फायदा पहुंचा सकता है, जैसे कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होने के कारण मक्खन का इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और वजन बढ़ने से रोकने में भी कई बार हमारी ये मदद करता है। बटर में कार्बोहाइड्रेट्स कम अमाउंट में पाए जाते हैं जो कि एक और कारण है कि लोग इसे खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शरीर का कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ता। इसमें और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। ये हमारे शरीर में कैंसर को पनपने से रोकता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बीटा कैरेटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है। बीटा कैरेटीन की मदद से लंग और प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है। बटर में मौजूद ये बीटा कैरेटीन हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप इस बात से निश्चित रह सकते हैं कि आपकी आंखों में होने वाली उम्र के साथ साथ दिक्कतें भी जल्दी नहीं होंगी। ये आपकी हड्डियों के लिए भी काफी लाभदायक होता है। बटर में मौजूद विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत पोषक होता है जिसकी वजह से धूप से निकलने वाली यूवी रेस को हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को ज्यादा यूज किया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक की जगह हानिकारक भी साबित हो सकती है, और ऐसा ही कुछ बटर के साथ भी है। बटर को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी में फैट्स और कैलोरीज काफी अधिक मात्रा में जम जाते हैं जो कि हमारे हृदय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसी वजह से कई बार लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बटर खाएं और सेहत बनाएं, मगर इतना भी ना खाएं कि आपकी सेहत बनाने की जगह बिगाड़ना शुरू कर दे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह आज की वीडियो देखने के बाद बटर कैसे बनता है पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।